मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डबल रोल वाला वीडियो कैसे बनाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसे स्टैंड में या कोई ऐसी जगह रख दीजिए जिससे आपका मोबाइल हिले नहीं, और आपको दो अलग अलग वीडियो शूट करने हैं। अगर आप ग्रीन स्क्रीन में शूट करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप ग्रीन स्क्रीन का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप किसी ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहाँ पर अच्छी लाइटिंग और अच्छा बैकग्राउंड हो, तो आपका वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको काइनमास्टर ऐप में जाना है, फिर मीडिया में आपको जा कर के जो आपने जो वीडियो बनाया है दो अलग अलग एंगल में, उनमें से पहले एक को चुन लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को चुन लिया है। ये देखिए मैंने एक एंगल की मेरी वीडियो है, और फिर मुझे लेयर में जाना है। लेयर में जाके दूसरी मुझे वीडियो चुन लेनी है, फिर इसे मुझे फुल साइज में कर लेना है। फुल साइज में करने के बाद मुझे हाफ क्रॉप कर देनी है इस वाले से। जैसे मैं अगर इस साइड का कर रहा हूँ तो इस वाले से मैं करूँगा, अगर इस वाले में कर रहा हूँ तो इस वाले से करूँगा। तो वैसे मैं इस वाले को नहीं कर रहा हूँ, इसे वापस कर लेता हूँ थोड़ा। और ये हमारा वीडियो थोड़ा रोटेट हो चुका है, तो इसे मैं एक बार रोटेट कर लेता हूँ जिससे ठीक हो जाए। लीजिए हमारा वीडियो ठीक हो गया, और अब मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडजस्ट हो गया, इसके बाद आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग एंगल के वीडियो थे जो अब लग रहे हैं कि जैसे हमने जुड़वा वाला वीडियो बनाया ऐसा हो चुका है। तो आप इस तरह जुड़वा तिड़वा चुड़वा जैसा क्या है आप बना सकते हैं, पर अगर आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन वीडियो लेयर पर निर्भर करता है कि आप कितने वीडियो लेयर में डाल सकते हैं, आप उतने ही रोल ने बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।